सर मैं मैथ इकोनॉमिक्स ते फिजिकल एजुकेशन इन्होंने पढ़ी है। मैथ इकोनॉमिक्स ते फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन इतने लिख लिया मैं। तो इन्हों का बेस्ट कॉम्बीनेशन की बनेगा? देखो मैथ नहीं छड़ना चाहिए, मेजर सब्जेक्ट है। तो मैथ तुसी 3 साल विच पढ़िया है, ठीक है, इलैक्टिव है, यस। और ये कोई एडिशनल पेपर नहीं देना पाएगा, कोई बी एड च नहीं देना पाएगा। पैडागोजी ऑफ मैथमैटिक्स तुहानू नहीं छड़ना चाहिए। और तुसी गवर्नमेंट जॉब टी जी टी लई गवर्नमेंट लई एलिजिबल हो जाओगे। रैंक नंबर 1 ते तुहाडा आ गया मैथ। दूसरा हाँ है, वो डिपेंड करता है, तो तुसी 2 क्वेश्चनों के जवाब दो कि तुसी पोस्ट ग्रैजुएशन किहदी करना चाहते हो। मैथ्स की करना चाहते हो तो वो तुसी पी जी टी एलिजिबल हो जाओगे, तुहानू मैथ्स की जरूर करनी चाहिए है। जे मैथ्स वीक लगता है तो इकनोमिक्स वाल जाना चाहते हो तो फिर तुहानू मैथ्स के नाल इकनोमिक्स लैनी चाहिए है जो पोस्ट ग्रैजुएशन। हाँ जे तुहाडा नॉलेज इकनोमिक्स ज़्यादा है तो इकनोमिक्स चुनो, इंट्रस्ट इकनोमिक्स ज़्यादा है तो इकनोमिक्स चुनो। पर एक गल याद रहे कि तुसी इकनोमिक्स करनी है तो तुहानू एम ए इकनोमिक्स मस्ट है, उस तो बिना तुसी पी जी टी लई एलिजिबल नहीं हो। इसलिए इत्थे मैं मैथ्स इकनोमिक्स नू थोड़ा डिसकरेज कर रहा। पर जे तुहाडा शौक बहुत ज़्यादा है इकनोमिक्स लई ते एम ए तुसी इकनोमिक्स ही करनी है, फिर तुसी मैथ इकनोमिक्स ही लो। ये फिर तुसी टी जी टी मैथ्स ते पी जी टी इकनोमिक्स लई एम ए इकनोमिक्स करन तो बाद एलिजिबल हो जाओगे। जे तुसी चाहुंदे हो कि टी जी टी लई ही रहना है, मैं ए भी टी जी टी हो गया, टी जी टी और टी जी टी दूसरा फिजिकल एजुकेशन फिर नाल लै सकते हो। ये देखना पड़ेगा कि मैथ्स फिजिकल एजुकेशन का कॉम्बीनेशन है। फिर तुसी इस तरह ये टिक इधर लग जाएंगे, 3 साल पढ़ी है, एडिशनल नहीं देना पड़ेगा, है ना, कोई नहीं देना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब लिए तुसी एलिजिबल, टी जी टी लिए हो इत्थे, ये तुहाडा फिर बेस्ट बनेगा। इहदे विच देख लेना है एस एस टी लैंग्वेज है, मैथ फिजिकल एजुकेशन है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मैथ्स फिजिकल एजुकेशन, एस एस टी फिजिकल एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन लैंग्वेज है, फिजिकल एजुकेशन हिस्ट्री है, फिजिकल एजुकेशन पोलिटिकल साइंस है, फिजिकल एजुकेशन जोग्राफी है, होर फिजिकल एजुकेशन मैथ नाल फिजिकल एजुकेशन दिखाई नहीं दे रहा कितने भी, मेरे ख्याल से तुहानू नहीं मिलेगा। मैथ नाल इकनोमिक्स का ही फिर तुहानू मिलेगा। जे तुसी मैथ तो भजदे हो तो फिजिकल एजुकेशन ज़्यादा हो, फिर तुसी फिजिकल एजुकेशन ते लैंग्वेज लै सकते हो, वो कॉम्बीनेशन मिल जाता है, फिजिकल एजुकेशन एंड लैंगुएज। सो डिपेंड करता है तुहाडा इंट्रस्ट ते नॉलेज किहदे विच ज़्यादा है, एम ए किहड़ी ज़्यादा करनी है, उस मुताबिक तुसी बायस हो सकते हो। सो दूसरा सिलेक्शन टेस्ट विच तुहानू अचीव ज़्यादा करना पैना है। मैं क्यों कह रहा हाँ कि नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, नॉलेज जे नॉलेज ज़्यादा है तुसी सिलेक्शन टेस्ट विच कंपीट कर पाओगे तां जॉब मिलनी है। ओके जे मैथ विच है तां मैथ नू ही चूज करो, फिर जॉब सिलेक्शन टेस्ट उहदा देना पएगा। जे फिजिकल एजुकेशन है ज़्यादा नॉलेज तो उसनू चूज करो, जे इकनोमिक्स है तो उसनू चूज करो, क्योंकि सिलेक्शन टेस्ट विच सबजैक्ट की ही मास्टरी, सब्जेक्ट की ही नॉलेज देखी जाती है। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुअलाइज।